अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आज बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मोस्टली लोग डील करते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं सीप। बर्ड में सीप आ जाती है। सीप का क्या मतलब होता है? सीप या सोकड़ा, जिसे कहते हैं सीप या सोकड़ा, ठीक है। ये क्या होता है? ये आपके बर्ड्स में सोकड़ा आ जाता है, सीप आ जाता है, मतलब बर्ड्स खाना छोड़ देता है और मोशंस में आ जाता है, ठीक है, मोशन करने लग जाता है बर्ड, और उसकी हड्डी जो चेस्ट का ये जो एरिया होता है चेस्ट का, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, गोश्त ख़त्म हो जाता है और हड्डी बाहर निकल आती है, उसे कहते हैं सीप और सोकड़ा। और दी एंड क्या होता है? बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं आपके लिए टिप लेके आया हूँ कि अगर आपके बर्ड्स को सीप होती है तो उसका आपने क्या रिकवर करना है, कैसे उसका इलाज करना है। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीज़न है कि बर्ड को सीप होती क्यों है, ठीक है, क्या इश्यूज़ है कि बर्ड आपका सीप में आता है। सबसे पहले है कुछ टिप्स आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप नए अब लव बर्ड्स हो गए या कोई भी आप बर्ड्स लेके आते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली ला के क्या करते हैं, अपने शेड में जो पुराने बर्ड्स होते हैं उनके साथ एकदम छोड़ देते हैं। सबसे पहले ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए आपको। जब भी आप बर्ड लेके आए, जब वो नई जगह पर आता है तो डिप्रेशन भी हो जाते हैं, बर्ड जो है ना स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने की वजह से क्या होता है, जब आपने एक फॉर एग्जांपल एक कॉलोनी में बर्ड रखे हुए हैं, ज़्यादा बर्ड, उनका उस कॉलोनी पे रोब होता है, मतलब उनका एक जो है डोमिनेंसी है। जब नया बर्ड आता है तो वो नए बर्ड को मारते हैं, वो स्टिक पे बैठने नहीं देते, ठीक है, जिस वजह से बर्ड जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है और वो दाना पानी खाना कम कर देता है। कम करता है तो हमें तो देखने में लग रहा होता है एक्टिव है, बट वो थोड़ा आहिस्ता 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 उसका वेट जो है वो लूज़ होने लग जाता है, वो गिर जाता है और वो बर्ड सीप की तरफ आ जाता है। सबसे आपने पहले क्या करना है, जब भी आप कोई बर्ड लेके आए, पहले जिसमें सिंपल सी बात है, जब भी आप बर्ड लेके आते हैं तो उसको जो है, जैसा कि अब हमारा क्वारंटाइन चल रहा है कि भाई 15 दिन के लिए उसको अलग केज रहे, ठीक है, अलग केज रखे। फॉर एग्जांपल डेट बाई डेट का है, 2x2 का साइज़ है, उसके अंदर आप उसको अलग छोड़ दें ताकि वो बर्ड उसमें थोड़ा सा एडजस्ट हो, और उसकी प्रॉपरली आप वैक्सीनेशन करें, ठीक है। वैक्सीनेशन के लिए आपके पास जो अच्छी, जैसे कॉक्सी हो गई या नॉर्मल जो लोकल मेडिसिन हम यूज़ करवाते हैं, हम कह देते हैं वेब्रामाइसिन का कोर्स करवा देते हैं, या आप लोग जो है और जो आपको अच्छा आपको मतलब एंटीबायोटिक बताओ तो उसको आप कोर्स करवाएं बर्ड को, ठीक है। उसके बाद जब वो 15-20 दिन जब रहता है, वो नई जगह पे आता है, डेफिनेटली बात है उसका घर चेंज हुआ है, तो बर्ड जो है वो स्ट्रेस में आता है, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे वो पुराना रह रहा था वहाँ पे वो एडजस्ट होता है, उस माहौल में अच्छी तरह खा रहा होता है, पी रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका माहौल अलग है, उसका माहौल अलग है, जिस वजह से बर्ड भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो पहले उसको ला के आपने अलग पिंजरे रखना है, उसको आपने 15 दिन तक मोनिटाइज़ करना है, देखना है बर्ड ओके है, हेल्दी है, एक्टिव है, उसके बाद आपने ला के उसको दूसरे बर्ड से छोड़ना है। मगर आपने कोशिश ये किया करें कि ज़्यादा बर्ड में बर्ड एकदम अचानक ला के ना छोड़ें, उसकी वजह से क्या होता है, जो पुराने बर्ड होते हैं वो नए बर्ड को मारते हैं, और बर्ड जो है या फिर एक्सपायर भी हो सकते हैं, और वो डिप्रेशन में आया था या फिर वो बेचारा डर जाता है उनसे और वो खाना पानी छोड़ देता है। एक तो ये चीज़ हो गया रीज़न। सेकेंडली होता है आपकी डाइट, डाइट की वजह से भी बर्ड सीप में आता है, कि लोग जो करते हैं दाने पानी का मतलब के जो उनका खाने का बर्तन होते हैं उसको वॉश नहीं करते, पानी जो है वो लगा हुआ है 10 दिन तक तो लगा हुआ है, उसमें बीठे बर्ड कर रहे हैं खा रहे हैं, उस वजह से भी बर्ड का जो है इम्यून सिस्टम ख़राब होता है, डिस्टर्ब होता है और बर्ड जो है वो सीप में आ जाता है, ठीक है। और आजकल का जो मौसम जैसे चल रहा है, अब बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं, अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा इसके ऊपर कि इन दिनों में कैसे बर्ड की केयर करनी, क्योंकि इन दिनों में बर्ड बहुत एक्सपायर होता है और बहुत जल्दी वो मरता है, ठीक है, उसके ऊपर मैं नई वीडियो बनाऊंगा, मगर आज की जो वीडियो वो सीप के ऊपर है, अभी की जो वीडियो है। तो सीप कैसे आ जाती है कि बर्ड का आपने दाना पानी का ख्याल नहीं रखते, आपने सॉफ्ट फूड लगा दिया बर्ड को तो वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा पड़ा वो फंगस लग रही है और वो ख़राब हो रहा है, उससे भी बर्ड वो दाना खा रहा है और ख़राब हो रहा है। तो दाने का डेली बेसिस पर सफाई रखनी है आपने बर्ड की, ठीक है, दाना साफ करना है, पानी का बर्तन डेली साफ करें ताकि, और सफाई का ख्याल रखें, इस चीज़ से भी बड़ा बर्ड को एकदम जो है ना इन्फेक्शन पैदा होता है। और बर्ड्स को आप हफ्ते में एक दफ़ा पानी, सिरके का पानी, एप्पल विनेगर जो है वो पानी में डाल के दें, उससे क्या होता है उनका मैदा तेज़ काम करता है और बर्ड जो है उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, और वो इतनी जल्दी जो है उसका मैदा जब स्ट्रांग होता है तो वो हर चीज़ को अच्छी तरह हज़म भी करता है और बर्ड सीप में भी नहीं आता। और सॉफ्ट फूड में स्पेशली भुट्टे का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब बात आ गई, फॉर एग्जांपल आपका बर्ड को मोशन लग गया, मोशन के लिए डेफिनेटली बात है कुछ मेडिसिन है, जैसा कि अब नॉर्मल मेडिसिन है, फ्लैजल सिरप हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एंटामिजोल सिरप होता है वो भी बेस्ट होता है मोशन के लिए, और दी एंड जो होता है नॉर्मल हम जो बर्ड्स की शॉप से मिलता है कोलीसोल अगर आपके पास ओरिजिनल है तो वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आप 101 ड्रॉप मुंह में डायरेक्ट डालेंगे उससे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज आप पानी के पॉट में 3 से 4 ड्रॉप डाल के उस बर्ड को दे सकते हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे 4-5 दिन के अंदर बर्ड रिकवर होना शुरू होता है। अगर आपका बर्ड ज़्यादा सीप में आ गया है उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका फॉर एग्जांपल बर्ड ज़्यादा सीप में आ गया तो ये मिलती है निल स्टेट, ठीक है, निल स्टेट की मेडिसिन है, ये सारी मेडिसिन जो भी मैं बता रहा हूँ
ये मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। ये 500 से 550 रुपये में ये सारी मेडिसिन आएंगी। आपने क्या करना है, ये आपको मिलेगा न्यू स्टेट, ठीक है, ओरल ड्रॉप, ये ओरल ड्रॉप है, ये आपने लेना है, ठीक है। और डायरेक्ट बर्ड को, अगर बर्ड ज़्यादा सीप में आ गया तो डायरेक्ट उसके मुंह के अंदर आपने 1 cc आपने लेना है, ml नहीं लेना है, ठीक है, cc देनी है आपने। ml और cc में डिफरेंस समझिएगा ज़रा, लोगों को पता नहीं होता, वो ml डाल दे देते हैं। डायरेक्ट 1 cc देनी है उसको, ठीक है, आपने बर्ड को। उसके बाद क्या करना है, वेब्रामाइसिन कैप्सूल जो होता है, जैसे एंटीबायोटिक होता है, उसको आपने हाफ कैप्सूल लेना है, हाफ कैप्सूल। उसके अंदर क्या करना है, एक पानी का डी, कैसे कहते हैं डी पॉट, मैंने लिखा हुआ डी पॉट, डी पॉट मतलब जो पानी का एक छोटा बर्तन होता है जो हमने हर केज में लगा होता है, उसे कहते हैं डी पॉट। उस पानी के बर्तन के अंदर आपने आधा वेब्रामाइसिन कैप्सूल डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, पैनाडोल सिरप जो बच्चों का मिलता है वो लेना है, वो आपने क्या करना है, 3 cc उसी पॉट के अंदर आपने 3 cc डालना है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, जेटी बार सिरप मिलता है, जेटी बार सिरप लेना है, वो भी आपने 3 cc लेना है। 3 cc लेके आपने उसके इसी पॉट के अंदर आपने डी के अंदर डाल देना है। और दी एंड है लाइजोविट, लाइजोविट सिरप मिलेगा, लाइजोविट सिरप को भी आपने क्या करना है, 3 cc लेना है, 3 cc लेके आपने डी पॉट के अंदर डाल देना है। ये हो गया आपका एक डाइट प्लान। अब ये कितने दिन तक यूज़ कराना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। आपने ये निल सेट आपने लेना है, ये आपने लेके 1 cc डायरेक्ट देना है, ये 5 दिन तक आपने देना है डायरेक्ट बर्ड को। अगर आपका बर्ड कमज़ोर है तो 5 दिन तक देना है, इंशाल्लाह आप देखोगे आपका बर्ड जो है रिकवर होना शुरू हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और वेब्रामाइसिन कैप्सूल है, ये भी आपने 5 दिन तक यूज़ करवाना है, हाफ कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद रह गया पैनाडोल सिरप जो हमने ये डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ इसी तरह चलेंगी, ठीक है। ये 1 cc ये डायरेक्ट, उसके अलावा वेब्रामाइसिन हाफ कैप्सूल, 3 cc पैनाडोल, 3 cc जेटीबार और 3 cc लाइजोविट, ये आपने इसी तरह देना। मगर कितने कितने दिन तक देना वो मैं आपको शेड्यूल बता दिया। ये 5 दिन तक आपने देना है निलस्टेट, ठीक है। फिर 5 दिन तक आपने जो उसमें डालना है वेब्रामाइसिन कैप्सूल डालना है डी पॉट में, उसके बाद इन दोनों चीज़ों को रोक देना है आपने। फिर उसके बाद आपने क्या कहना है, पैनाडोल सिरप जो है 7 से 8 दिन तक आपने ये 3 चीज़ें डाल चलानी है। फिर 7 से 8 दिन तक ये आपकी चल रही है, उसमें पैनाडोल सिरप आ जाएगा, जेटीवार आ जाएगा, लाइजोविट सिरप आ जाएगा, ये आपने यह 7 से 8 दिन तक चलानी है। 7-8 दिन के बाद आपने पैनाडोल को भी रोक देना है, ठीक है ना। पैनाडोल आपने 7-8 दिन के बाद बंद कर देना है। और उसके बाद जेटीबार सिरप और लाइजोविट सिरप 3-3 cc पॉट में डाल के तब तक देना है जब तक आपका बर्ड फुल रिकवर नहीं हो जाता, मतलब उसने अपनी जान दोबारा नहीं हली, गोश उसका वापस बहाल नहीं होगा, जब तक आप समझो कि बर्ड को पकड़ो और आपको पता चले हाँ अब ये बर्ड की सीप ख़त्म हो चुकी है और बर्ड बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव हो चुका है, तब तक आपने ये चीज़ें देते रहना है। तो ये एक आप मेरे पास जो था एक नुस्खा आया था, एक जो अच्छी चीज़ मैंने प्रैक्टिकल करी और सीखा, तो वो मैंने कहा अपने फैंसियों से शेयर करूँ, क्योंकि सीप की प्रॉब्लम बहुत आम आती है और बहुत बर्ड एक्सपायर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो बना रहा हूँ वो मैं बनाऊँगा इस सीज़न के ऊपर, कि जो अभी बारिशों का सीज़न आ गया, ब्रीडिंग सीज़न ऑन कब होता है और उसमें आपने कैसे आपने तैयार करनी, क्योंकि ये पूरा साल का ऐसा टाइम होता है, क्रूशियल टाइम होता है, इसमें बंदा का पूरा का साल का मेहनत ज़ाया हो सकती है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी बेहतियाती करोगे आपका पूरा बर्ड एक्सपायर हो जाएगा, तो बहुत लॉस होता है लोगों का, तो इसमें आपने बहुत एहतियात करनी है। तो तब तक के लिए आप मेरा वेट करिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि नई वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आप लोगों को मिल सके और आप लोग उससे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।